नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की छोटा सा वीडियो है आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन, और रूटीन में भी आपसे कभी भी कोई भी पूछ सकते हैं जिसके बारे में आप एक आंसर अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ये आता है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड, यानी IPC कोड, CRPC कोड, CPC कोड, और बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे लैंड रेवेन्यू कोड होता है। राजस्थान में तो टेनेंसी लैंड रेवेन्यू एक्ट ही कोड होता है, हिंदी में उसको बोलते संहिता, ठीक है। ठीक वैसे ही हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्ट, TPA एक्ट, हिंदी में बोलते हैं अधिनियम। आखिर एक्ट और कोड में अंतर क्या है, सवाल आता है एक्ट और कोड में डिफरेंस क्या है, राइट। कई बार लोग कहते हैं कि कोड वो होता है जो प्रोसीजर लॉ होता है, एक्ट वो होता है जो सब्सटेंटिव लॉ होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि IPC तो आपका सब्सटेंटिव लॉ है और एविडेंस एक्ट आपका प्रोसीजर लॉ है। तो ये जो आंसर है कि जो प्रोसीजर लॉ होते हैं वो कोड और जो एक्ट होते हैं वो आपके सब्सटेंटिव नहीं, क्योंकि IEA लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ये भी आपका प्रोसीजर लॉ है। SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये भी आपका प्रोसीजर लॉ है, तो ये तो गया गलत। सेकेंड कोई कहता है जो पार्लियामेंट बनाती हैं वो कोड होते हैं, या पहले से जो बने हुए हैं वो कोड होते हैं जो ब्रिटिश के टाइम बने थे, तो भैया एविडेंस भी उसी समय का है, TPA भी उसी समय का है, कॉन्ट्रैक्ट भी उसी समय का, ये भी आंसर गलत है। तो फिर डिफरेंस क्या है, तो आइए समझते हैं। कोड वो होता है जो सभी सब्जेक्ट पे बात करता है, जैसे एग्जाम्पल ये आपके IPC ना, आप जब इस IPC को देखोगे तो इस IPC ने देखो मैरिज से रिलेटेड भी बात की है, कोइन से रिलेटेड भी बात करती हैं, स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस की बात करती हैं, आर्मी के अगेंस्ट की बात करती हैं, बॉडी के अगेंस्ट भी बात करती हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी बात करती हैं, न्यूसेंस के लिए भी बात करती हैं, हर सब्जेक्ट पे, फूड अल्ट्रेशन की भी बात करती हैं, फूड अल्ट्रेशन को लेकर बात करती हैं। जबकि देखा जाए मैरिज के अपने खुद के कानून बने हुए हैं, फूड अल्ट्रेशन का अपना खुद का कानून बना हुआ है, बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस के अपने खुद के। तो ये क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट पे जो बात करते हैं, हर सब्जेक्ट को लेके जो चर्चा करते हैं वो कोड होता है। ठीक वैसे CRPC है, CRPC भी सबको प्रोसीड करती है, चाहे कोई भी तरह का मैटर जाए, मैरिज रिलेटेड आ जाए, मेंटेनेंस रिलेटेड आ जाए, डावरी रिलेटेड आ जाए, कोइंस रिलेटेड आ जाए, स्टेट आ जाए, आर्मी आ जाए, तो CRPC भी सबको प्रोसीड करती है। ठीक वैसे ही हमारी CPC है, आप जब CPC पढ़ेंगे तो देखना CPC जो है पार्टनरशिप को भी ट्रायल करती हैं, पार्टनरशिप भी है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को भी ट्रायल करती हैं, मेंटेनेंस को भी करती हैं, मैरिज को भी करती हैं, NI एक्ट के प्रोमिसरी नोट और चेक को भी करती हैं, फॉर्म्स को भी करती हैं, तो CPC भी सबको लेके एक साथ काम करती है। तो जो कोई भी ऐसा कोड जो सभी सब्जेक्ट पे बात करता है उसे कोड कहते हैं, ऐसा जो नहीं वो सब्सटेंटिव है प्रोसीजर, क्योंकि IPC तो सब्सटेंटिव है, ये दोनों प्रोसीजर है। तो एक लाइन में क्या बोलेंगे, कोड वो होता है जो सभी सब्जेक्ट पे बात करता है, जो एक जगह सबको लाके रखता है, दैट इज अ कोड। एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ सबूतों की बात करता है, क्या कहा मैंने, इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ और सिर्फ इस पूरी कहानी में आप देखना एविडेंस की बात करता है, एविडेंस क्या है, एविडेंस कैसे लिए जाते हैं उस पर बात करता है। कॉन्ट्रैक्ट में पूरे कॉन्ट्रैक्ट 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 कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर में पूरा ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, यानी ये सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों की बात है, ये सिर्फ ट्रांसफर की बात करता है, तो वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, तो वो सिर्फ प्रूफ की बात करता है। तो एक्ट लिमिटेशन है, पूरे लिमिटेशन 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 की बात करता है, तो ऐसा रहा परफॉर्मेंस 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 की बात करता है। तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करता है वो हमेशा एक्ट होते हैं, जो ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर बात करता है उसे कोड कहते हैं। तो छोटा सा डिफरेंस है, एक लाइन में इसको समझाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कोड और एक्ट में डिफरेंसेस हैं। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।